नमस्कार दोस्तों, फीटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक जिसके लिए आपको बेसब्री से इंतजार था कि इस टॉपिक पे कब वीडियो आएगा, कब मेरा वीडियो आने वाला है। तो वीडियो आखिरकार आ ही गया है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि जो सी आई टी एस है वो सी आई टी एस 2024-25 में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद दूसरा टॉपिक है सी आई टी एस करके क्या क्या हो सकता है, और देखिए क्या जरूरी है कि सी आई टी एस करके अंग्रेजर भी बना जा सकता है। ये तीन टॉपिक है इस वीडियो में, तीन टॉपिक रहने वाला है। सी आई टी एस क्या है, सी आई टी एस के कौन से कॉलेज पर आई टी ओ टी और एन एस टी आई क्या है, इसके लिए एक वीडियो बन चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ मैं वही बात करूँगा कि जरूरी थोड़ी ना है कि आप सी आई टी एस कीजिएगा तो आप टीचर ही बने, तो और क्या स्कोप है उसके बारे में भी जानेंगे। इसलिए चैनल पे नए हैं तो हमारे साथ आप जुड़ जाए, क्योंकि आप सी आई टी एस करते हैं तो ये बहुत अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। सबसे पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं, सी आई टी एस 2024-25 में करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, सी आई टी एस करने का मेन हमारा उद्देश्य क्या होता है। पहला तो उद्देश्य है कि आपको जो है, जितने भी लोग आई टी आई में टीचर बनने के लिए, क्या आई टी आई में अगर टीचर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट आई टी आई में टीचर जिसे अनुदेशक कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सी आई टी एस कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि सी आई टी एस एक तरह का आपका बैकअप प्लान है, क्योंकि करंट प्लान इसलिए नहीं कर सकते, आई टी आई करते हैं तो आपके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, डिप्लोमा डिग्री है तो आप डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल, और बी टेक वालों के लिए, जो बी टेक किए हैं उनके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सी आई टी एस के बाद। तो अगर हम जोड़े तो आई टी आई के 3 साल का एक्सपीरियंस प्लस 1 साल का सी टी आई प्लस 2 साल आई टी आई, 2 साल ये भी 6 हो गया, और इनका भी लगभग 1 साल सी टी आई में प्लस 3 साल डिप्लोमा में, सबको 6-6 करके बराबर किया जा रहा है। वैसे ही बी टेक वालों को भी 1 साल का सी टी आई, 1 साल एक्सपीरियंस प्लस 4 साल उन्होंने बी टेक करने में गवाया, तो लगभग ये सफर लंबा हो जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप टीचर बनने के लिए ही सी आई टी एस करें। आपको अगर थ्योरी का नॉलेज, आप आई टी आई किए हैं या डिप्लोमा किए हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि अगर जो आई टी आई का स्टूडेंट है वो चाहता है कि अपना थ्योरी का नॉलेज बढ़ाए, अपने प्रैक्टिकल का नॉलेज को बढ़ाए, तो उसके लिए अच्छा चांस है सी आई टी एस अगर वो कर लेता है तो उसके थ्योरी का नॉलेज बढ़ जाएगा, वो कई एग्जाम को क्रैक कर सकता है। देख सकते हैं कि अभी बार का प्रैक्टिकल हो रहा है, प्रैक्टिकल में बहुत से स्टूडेंट फेल हो जा रहे हैं, डी आर टी ओ का प्रैक्टिकल हो रहा है, बहुत से स्टूडेंट फेल हो जा रहे हैं, तो आप अपने थ्योरी और प्रैक्टिकल के नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी सी आई टी एस को कर सकते हैं। अगर ये कर लेते हैं तो अब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आप इंस्ट्रक्टर का फॉर्म नहीं भरें या फिर आप केवल आप नॉलेज बढ़ाने के लिए भरें, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको एक तरह से बैकअप प्लान रहेगा, बैकअप प्लान रहेगा कि भविष्य में अगर कुछ नहीं बन पाता है, कुछ नहीं हो पाता है, तो आप इंस्ट्रक्टर का फॉर्म भर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर की बात करें, देखिए अभी बिहार इंस्ट्रक्टर पर मामला चल रहा है, लेकिन बाहरी तो होगा ही, चाहे जब झारखंड में अभी हुआ है, आपका यूपी में देख रहे हैं कि वो भी प्रक्रिया अधीन है, एंसर की वगैरह तक आ गया है, दिल्ली में भी हुआ है, सीटें बोले ही कम थी, गेस्ट फैकल्टी के भी रूप में हुआ है। ये आप कर लेते हैं तो प्राइवेट तो आसपास के जॉब में फिक्स है, प्राइवेट जो आपके आसपास का आई टी आई है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप प्राइवेट में कभी भूल कर भी नहीं पढ़ाइएगा। क्यों, तो इस पर कभी चर्चा करेंगे क्यों नहीं पढ़ाइएगा, क्योंकि आप अपना तैयारी कीजिए, प्राइवेट पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आपको ज़रूरत है, कहीं से कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उन लोगों के लिए अच्छा बेनिफिट है कि आप 1 साल कर लिए, उसके बाद तैयारी करते रहिए और साथ साथ कुछ आता रहेगा, ज़्यादा तो मिलता नहीं, सबको पता है, ये इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। तो यही एक करना चाहिए कि नहीं, मैंने सब बात क्लियर कर दिया और आपको सोचना है कि करना चाहिए कि नहीं। ऐसे अगर आप टीचर अनुदेशक जो बन जाते हैं, आप जो अनुदेशक बन जाते हैं, अनुदेशक जिसे इंस्ट्रक्टर लोग कहते हैं, अनुदेशक बन जाते हैं तो बी ग्रेड की नौकरी है, बी ग्रेड की नौकरी है, अच्छा खासा सैलरी भी मिलेगा, 60-70-50 के ऊपर मिल जाएगा सैलरी। लेकिन यही है कि आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, टाइम लगेगा इसमें, इसलिए कर लीजिए इसको बैकअप प्लान समझ के कर लीजिए, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं सी आई टी एस कर लीजिए। रही बात, अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपको क्लास को करना पड़ेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपको क्लास करना पड़ेगा, प्राइवेट में पता नहीं चल जाता है कि नहीं पता कर लीजिएगा, लेकिन गवर्नमेंट में तो आपको क्लास करना पड़ जाएगा, 100% के रूप में फिक्स है। हमारा तीसरा टॉपिक है, क्या जरूरी है अनुदेशक कर, तो इसी के बारे में अभी मैंने बताया कि जरूरी नहीं है कि आप अनुदेशक बनने के लिए ही सी आई टी एस करें, आप सी आई टी एस इसलिए भी कर सकते हैं अपने थ्योरी और प्रैक्टिकल के ज्ञान को बढ़ाने के लिए। एक बार आप इस सी आई टी एस कर लेते हैं तो थ्योरी में आप हो जाएगा, और दूसरी बात, सी आई टी एस आपको एक प्लेटफॉर्म के रूप में आपको खड़े होने का साहस दे सकता है,
आप देख सकते हैं मैंने कब किया था। तो मैंने जो किया था गवर्नमेंट आईटीओटी लखनऊ से पास आउट हूँ मैं सीआईटीएस। ठीक है, एसएसटीआरसी करके आता है, स्टेट स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर लखनऊ, जो कि लखनऊ से मैंने किया था। तो वही एक आप मुझ में देख सकते हैं, और मेरा सीआईटीएस का फर्स्ट दिन का जो वीडियो है वो भी मैं ऐड कर दूंगा उसमें, और आज में जो परिवर्तन है आप देख सकते हैं। यही सोच के आप सीआईटीएस करिए कि क्या चेंज हो रहा है। एक सीधा सीधा उदाहरण मैं भी हूँ, और आप बाकी के भी देख सकते हैं अदर को। बस ज्यादा नहीं, मैंने जो भी था डिटेल्स आपको 5 मिनट के अंदर क्लियर कर दिया है। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।